हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आपका माइंड सेल्फ शुभम हूँ। चलो अभी हम राइड शुरू कर रहे हैं। शायद करीब 4 बज चुका है। अभी मैं और सत्संग पटिया से निकल रहे हूँ टुवर्ड्स ढेंकानल। अभी जाके हमको 1 घंटे के अंदर ढेंकानल पहुँचना पड़ेगा। वहाँ से कुछ भाई भी निकलेंगे और उसके आगे अनुकूल से भी कुछ भाई लोग जाएंगे हमारे साथ। चलो वहीं पर उनका इंट्रोडक्शन करते हैं। अभी तो सुबह नहीं हुआ है, करीब मुझे ढेंकानल। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी जाके प्रेस कर सकते हैं। मेरा जो भी न्यू वीडियो आएगा आप लोग को शो भी करेगा। चलो मिलते हैं सुबह होने पर। हम लोग अभी बहापुर से निकल रहे हैं तो वार्ड्स अनुगुल के तरफ। अभी 2 भाई आके ग्रुप में ज्वाइन किए। एक पिनु भाई वो चला रहे हैं हिमालयन और शुभेंदु भाई वो चला रहे हैं बजाज एडवेंचर 220। चलो उनको थोड़ा सा आगे जाके दिखाते हैं। फास्ट लीड कर रहे हैं अभी पिनु भाई अनुगुल तक। मैं सवा पीछे चल रहा हूँ। और आप लोग को एक बात कहना भूल गया था, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में अब तक फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम में हैंडल आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। मुझे जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करें। शायद मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला जो एपिसोड शायद 4 एपिसोड आएगा, मस्त ही आएगा। शायद 2 दिन के ट्रिप है। चलो कहाँ कहाँ जाते हैं आपको ये वीडियो के साथ आगे जाके पता चल जाएगा। मैं कहाँ कहाँ घूमने वाला हूँ और रूट हमारा कौन सा रहेगा, सब कुछ आगे जाके आपको डिटेल से मालूम हो जाएगा। अभी जो नज़ारा मिल रहा है उसको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। करीब अभी सनराइज नहीं हुआ है लेकिन इस टाइम में ये जो फॉग फॉग भी हो रहा है ना, मस्त लग रहा है रोड। चलो देखते हैं आगे। अभी और तीनों भाई आके ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, मानस भाई, संदीप भाई और लिपू भाई, तीनों आके ऐड हो चुके हैं। अभी इस वाला जो रूट है मुझे थोड़ा सा पता नहीं है कहाँ पर क्या आएगा, इसीलिए शायद जब भी मैं गूगल मैप में देखूँगा आप लोग को बता दूँगा, या कुछ माइलस्टोन में कुछ एरिया का नाम आएगा तब आपको मैं बता सकते हूँ। चलो मिलते हैं आगे। शायद अभी ये थोड़ा सा कुछ जो ढेंकानल होके जाता है जो संबलपुर NH, ये थोड़ा सा शायद अभी रिपेयरिंग कंडीशन में है। शायद न्यू रोड बन रहा है इसलिए थोड़ा सा पैच मुझे थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप मिल रहा है। ये मेरे आगे जो जा रहे हैं संदीप भाई और इस टाइम ये नज़ारा को थोड़ा सा एंजॉय करी। क्या नज़ारा है क्या बताऊँ। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा राइड करके माइंड को फ्रेश करते हैं। इसीलिए इस नज़ारे को देखने के लिए इतने दूर से आ रहे हैं, इसको अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो और क्या होगा लाइफ में। चलो अभी इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग तब तक थोड़ा सा सिनेमैटिक एंजॉय करें कुछ टाइम का। अभी हम जिस रूट में जा रहे हैं ये 8 पल्ले वाला रूट है, थोड़ा सा मुझे पता हुआ इसलिए आप लोग को जानकारी दे दिया। अभी थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करिए। Maybe something you wanna keep your head. If I'm your girlfriend, I won't let go your hand. Yeah, at this point, 'cause you'll never see me. I'm better than you think of you. I'm not afraid to die.
never see me. I'm better than you think. You're not very simple, you. दोस्तों, ये वाला व्यू आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। आप लोग को शायद अच्छा लगा होगा तो कंपलसरी को कमेंट करके जाना और वीडियो को लाइक करना। मुझे तो पर्सनली ये वाला रोड इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। हम लोग इस वाला रूट चॉइस करके बहुत अच्छे गए हैं, शायद मैं अभी सोच रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये पहाड़, पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा बारिश भी हो रहा है ऊपर, और ये रोड तो माइंड ब्लोइंग है भाई, क्या बताऊँ और इस रोड के बारे में। और मैं कभी सोचा नहीं था हमारा उड़ीसा में इतना अच्छा अच्छा व्यू पॉइंट होगा। शायद अभी तो शुरू किए हैं उड़ीसा घूमने के लिए, शायद मुझे अभी जो जितना भी रिसर्च किया हूँ उड़ीसा में बहुत अच्छा सब पॉइंट है। आप लोग भी उड़ीसा से बाहर भी जो लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं उन वो लोग भी आ सकते हैं उड़ीसा घूमने के लिए। उड़ीसा में बहुत बहुत हिल स्टेशन है, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर घूम के। शायद अभी थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, करीब 150 किलोमीटर के आसपास कुछ बाइक चला चुके हैं और यहाँ से थोड़ा सा 10 मिनट के रेस्ट के बाद निकलते हैं। यहाँ से करीब हरिशंकर मंदिर शायद 120 किलोमीटर के आसपास रही शायद। चलो बलांगीर टाउन से निकल के बात करते हैं आपके साथ।
बलंगी टाउन क्रॉस करने के बाद रोड में एक ढाबा मिला, वहीं पर भी खाना खा लिए थोड़ा सा बैठ के। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी करीब यहाँ से हरिशंकर 60 या 80 किलोमीटर के आसपास कुछ है। अब तक तो फिलहाल रोड तो सही रही, शायद कुछ पैचेस थोड़ा सा काम हो रहा है, वो इतना डिफेक्ट नहीं होगा। आज मेरा फास्ट लॉन्ग राइड है, अब तक मैं 300 क्रॉस किलोमीटर चला चुका हूँ। अब तक इस बाइक में कुछ पेन फेन भी नहीं है। चलो देखते हैं आगे रोड कैसा रहता है, पता चल जाएगा। OMG, सर जंगल के अंदर हम लोग मंगल कर रहे हैं गूगल के भरोसे में। गूगल हमको इसी रूट दिखाया, इसलिए हम लोग शॉर्टकट लेने के चक्कर इस रूट भी चॉइस कर लिए। हमको पता नहीं था रूट ऐसे ऐसे बेकार होगा। चलो कुछ बात भी नहीं है, बाइक को थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी करते हैं। लेकिन खाने के बाद ऑफ रोडिंग इतना तकलीफ हो रहा है, क्या बताएं। चलो शायद मुझे जो भी गूगल मैप में अभी शो कर रहा था, शायद 1 किलोमीटर के आसपास कुछ ऐसे ही रोड मिलेगा, उसके बाद शायद रोड अच्छा मिलेगा। उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम लोग भी उम्मीद कर सकते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे थोड़ा सा बड़ा सा पैच अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर रुक के जाके चेक करना पड़ेगा बाइक किस साइड से निकाले। ये भाई गूगल क्या कर लिया, बाइक निकल जाएगा। जय बजरंगबली, चलो ट्राई करते हैं क्या होता है। भाई निकल जाएगा, निकल जाएगा, चल 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 चल। लेकिन थोड़ा सा भाई लोग को थोड़ा सा टेंशन था, उनका बाइक में ज़्यादा लगेज है ना, इसलिए थोड़ा सा टेंशन लेना भी सही है। इसमें क्या, बाइक थोड़ा सा फिसल गया तो कंट्रोल करना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा टेंशन। ओ माय गॉड, ये रही है जो हमको गूगल मैप शॉर्टकट लाने के चक्कर में कहाँ कहाँ घुमा के लाया। छोड़ो, शायद यहाँ से और 5-6 किलोमीटर रही। और एक टेंशन आ गया अभी यहाँ से, लॉकडाउन के लिए मंदिर तो खुला नहीं है, मंदिर तो बंद है। अब क्या करें, इतना दूर से आए हैं मंदिर, लेकिन मंदिर बंद है। पता नहीं था लॉकडाउन के वजह से मंदिर नहीं खुला है, शायद खुल जाने चाहिए था। चलो इतने दूर से तो आए हैं, इतना भी होगा उतना घूमेंगे। चलो मैं उम्मीद करता हूँ ये लोग शायद ज़्यादा टाइम हो गया होगा, इसलिए मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इसके बाद इसका सेकंड एपिसोड आएगा, वो वाला वीडियो आप लोग इसके लिंक के नीचे छोड़ दूँगा, नहीं तो यहाँ पर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलो मिलते हैं, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी जाके प्रेस कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलते हैं और एक एपिसोड में।